वादे करवाते वादे करे सच्चाई का पता तो पूरी जान से बाली चलेगा, लेकिन एक शख्स ने अपनी पत्नी पर ऐसा ही आरोप लगाया। तेज आवाज कर और दीपिका ने अपने पति पर दहेज उत्पीड़न का केस दर्ज करा दिया। फिलहाल मामला कोर्ट में है, लेकिन पति मनमोहन बजाज और उनके बुजुर्ग माँ बाप अपने ऊपर लगाए गए आरोपों को झूठा साबित करने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने घर वालों ने मेरे लिए इतना प्रेशराइज करवा के मुझे मेरे माँ बाप से भी अलग करवा दिया, उसके वजह से इतने ज्यादा पैसे एक्सकॉर्ट करवाए। ठीक है, मैं ये बात वर्बली नहीं बोल रहा, ये देखिए उसके हाथ के लिखे हुए, उन्होंने मेरे कागज भी भेजे कि अगर ये कागज है उसके लिखे हुए कि अगर आप पैसे नहीं दोगे तो मैं आपके ऊपर झूठा डमी का केस डाल दूंगी। मनमोहन के मुताबिक दीपिका ने बैंगलोर की कोर्ट में दिए गए बयान में कहा था उसके पति ने उससे कभी दहेज की मांग नहीं की और ना ही कोई बदसलूकी की, लेकिन दिल्ली आने के बाद दीपिका और उसके परिवार वालों ने मनमोहन के साथ उसके माँ बाप पर दहेज का झूठा मुकदमा दर्ज करा दिया। मुझे कभी नहीं मारा है, ना कभी पीटा है, ना कुछ किया है। ठीक है, उसके बाद उसे वहाँ पे प्रेग्नेंट हो गई थी, यहाँ पे आई, वहाँ पे उसे मैंने 2 लाख रुपए की मांग करी कि 2 लाख रुपए नहीं दोगे तो बच्चा अबॉर्ट कर दूंगी। किसके लिए? उसके छोटे भाई के बिजनेस सेटअप करने के लिए। वही दीपिका का कहना है कि उसके पति और ससुराल वालों ने उसे दहेज के लिए परेशान किया है। पैसों की मांग मैंने कभी भी नहीं करी, बल्कि जो था मैं वहाँ पे एडजस्ट करी थी, पैसों की डिमांड मुझसे करी गई। तभी आज तक जितनी बार भी मैं दिल्ली आई हूँ या वो दिल्ली आए हैं, जितनी बार भी आए हैं, मेरे माँ बाप ने टिकट के पैसे दिए हैं, सब कुछ उन्होंने करा। जानकारों के मुताबिक पति पत्नी के झगड़े अब काफी तादाद में अदालतों तक पहुँच रहे हैं। इनमें से ज्यादातर मामलों में दहेज उत्पीड़न के मामले होते हैं और इनमें से कई फर्स्ट के मामले होते हैं। आज की तारीख में इसका मिसयूज काफी हो रहा है और जो बेचारे सही जेन्युइन पार्टी है वो भी इस परेशानी में है कि हमें न्याय नहीं मिल पा रहा। इवन कई बार लड़के वाले बहुत परेशान है, वो जेन्युइन होते हुए भी उनके खिलाफ से मुकदमा झूठा दर्ज होता है। मनमोहन और दीपिका के रिश्ते अब तार तार नजर होते आ रहे हैं। दोनों के बीच आरोप और प्रत्यारोप का बहरहाल